हेलो क्लास थर्ड, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। चिल्ड्रेन, हम आप लोगों को रिवीजन करवा रहे थे फर्स्ट चैप्टर व्हाट एंड हाउ एनिमल्स ईट। तो इसे मैंने पूरा पढ़ा दिया बेटा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मैंने एक्सरसाइज भी करवा दिया है। और आज आप लोग करेंगे राइट शॉर्ट आंसर, यह वाला मैं आपको कॉपी में करवा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एनिमल्स नीड फूड। तो शॉर्ट आंसर हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे एक लाइन में लिखवा रहे हैं। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, एनिमल्स को बड़ा होने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। नेम द टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेस ऑफ द फूड दे ईट। तो कितने टाइप्स के एनिमल्स कितने टाइप के भोजन पर निर्भर होते हैं, तो ये है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेस ऑफ फूड दे ईट। थ्री टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जो इस तरह के फूड पर निर्भर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेस ऑफ फूड दे ईट, जो खाना खाते हैं उस पर निर्भर होते हैं। तो तीन तरह के एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट है हर्बीवोर्स ईट ओनली प्लांट्स। हर्बीवोर्स किसे कहते हैं, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, लीफ को खाते हैं, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसे हर्बीवोर्स कहते हैं। तो जो हर्बीवोर्स खाते हैं उन सारे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। वो एनिमल्स कौन से एनिमल्स कहे जाते हैं, हर्बीवोर्स कहे जाते हैं। सेकेंड है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं, जो एनिमल्स फ्लैश को खाते हैं और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मार के उनके फ्लैश को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। उन सारे एनिमल्स को क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। थर्ड है ओमनिवोर्स ईट बाथ प्लांट्स एंड फ्लैश, जो एनिमल्स प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं। बाथ मीन्स होता है दोनों तरह का खाते हैं उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डज ए स्नैक ईट इट्स फूड। स्नैक अपना भोजन कैसे लेता है। ए स्नैक ईट इट्स फूड बाई सालोइंग देयर होल प्रे। स्नैक जो है अपना जो शिकार करता है उस पूरे शिकार को पूरा निगल लेता है, उसे काटकर नहीं खाता है। तो स्नैक क्या करता है, सालो प्रे, अपना खाना पूरा निगल लेता है। हाउ डज ए बटरफ्लाई सक नेक्टर। बटरफ्लाई कैसे फूलों के रस को चूसती है। ए बटरफ्लाई हैव ए लॉन्ग थिन ट्यूब इन देयर माउथ। बटरफ्लाई के मुंह में एक पतला सा लंबा सा ट्यूब होता है। दिस ट्यूब हेल्प देम सक द नेक्टर, उसी ट्यूब के हेल्प से वो फूलों का रस खींचती है। ओके, अब आ गया जी। जी में है आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज शी चेविंग द कट एंड डिफरेंट फ्रॉम नवी। आंसर है चीविंग द कड मीन्स सॉलोइंग फूड एंड लेटर ब्रिंग द सॉलो फूड बैक इन टू द माउथ द च्यू इट प्रॉपरली। चीविंग द कड किसे कहते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि काऊ गोट बुफेलो हार्स ये सब क्या करते हैं, ग्रास को पत्तियों को पहले काटते हैं और उसे निगल लेते हैं और बाद में उसे अपने मुंह में वापस लाते हैं और अच्छे से चबा चबा करके खाना खाते हैं, इसे कहते हैं चीविंग द कड। वाइल नविंग मीन्स बाइटिंग ऑफ पीसेज ऑफ फ्रूट एंड सीड बाई फ्रंट टीथ। नविंग किसे कहते हैं, जैसे स्क्वायरल हो गया, रैट हो गया, रैबिट हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सीड को और फ्रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खाते हैं, इसे कहते हैं नविंग द फूड। ये हम लोग डिफरेंट बता रहे हैं कि चेविंग द कट एंड डिफरेंट नविंग फ्रॉम नविंग। तो ये हम लोग बता दें कि चेविंग द कट कैसे अलग होता है नविंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ टीथ टू कार्निवोर्स हैव। कार्निवोर्स के पास किस टाइप का टीथ होता है। कार्निवोर्स है शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट एंड होल्ड देयर प्रे। कार्निवोर्स के पास आगे का जो दांत होता है वो बहुत क्या होता है, शार्प होता है, जिससे वो अपने प्रेमी शिकार को पकड़ता है, होल्ड करता है, पकड़ता है। दे आल्सो हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड टीथ ऑन द साइड टू टीयर द प्लेस। और उसके जो पॉइंटेड टीथ बगल के होते हैं वो भी बड़े शार्प होते हैं, जिससे वो अपने जो एनिमल्स का शिकार करता है उसके फ्लैश को खींच कर खाता है। तो ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन नंबर थ्री है हाउ डज ए फ्रॉग कैच इट्स प्रे। फ्रॉग कैसे अपना शिकार करता है।
फ्रॉग कैचेस इट्स प्रे यूजिंग इट्स लॉन्ग एंड स्टिकी टंग इट शूट इट्स टंग आउट टू ट्रैप इंसेक्ट एंड देन इट थ्रोज द टंग बैक इनटू इट्स माउथ टू स्वालो देम। फ्रॉग कैसे अपना लेता है, कैसे कैच करता है अपने शिकार को, मैंने बताया था कि फ्रॉग के पास पतली सी टंग होती है, टंग मीन्स जीभ, और वो बड़ी स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, जिससे वो किसी भी इंसेक्ट को देखता है तो उसको अपना शिकार करने के लिए अपना जीभ निकालता है और उसकी जीभ पर वो इंसेक्ट चिपक जाता है और उसको रोल करके अपने मुंह में डालकर निगल लेता है। तो फ्रॉग अपना शिकार ऐसे करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फूड चेन, डिस्क्राइब विद ए सुटेबल एग्जाम्पल। व्हाट इज अ फूड चेन, फूड चेन क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग्स को खाता है तो इसे को कहते हैं फूड चेन। जैसे ग्रास हो गया, तो ग्रास और प्लांट ये सब भी लिविंग थिंग होते हैं, तो इन्हें कौन खाता है, डियर। ग्रास को डियर खाता है और डियर को लॉयन खा लेता है, इसे फूड चेन कहते हैं। और फूड चेन हमेशा प्लांट से स्टार्ट होता है, तो मैंने इसको बता दिया, इसको थोड़ा आप लोग डिस्क्राइब करके आंसर लिख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया था और इसे जो मैंने अभी सारा क्वेश्चन आंसर लिखवाया बेटा, इसे आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे, ये आपका होमवर्क है और आपके होमवर्क में एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसे भी आप लोग लिख करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके चिल्ड्रन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आज का ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।